गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बता दूं कि आज हमारे बांदा में कुछ कल काम हुआ था, तो उसी के लिए अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर और आप लोग को दिखाऊंगा कि बाहर में क्या हो रहा है। मुझे कॉल कर रहा भाई, आओ ना यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कल चलो बताता हूँ क्या। चलो फिलहाल चलते हैं बाहर। और देख सकते हो गाइज यहाँ पे बहुत सारा बोरा वगैरह रखा हुआ है, इसमें मटेरियल है, मतलब रोड जो है वो कल बना था कुछ और कुछ कल बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे मटेरियल सब जो है वो रखा हुआ है, हमारे गली में ही है और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। चलो देखते हैं बाहर क्या काम चल रहा है। देख सकते हो अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोहल्ला के अंदर और यहाँ पे देखो रोड बना है, रोड मतलब कल बना था और यहाँ पे अभी हम लोग पूरा जाम करके रखे हुए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि सुबह से ना यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी आ जा रही थी, तो मतलब इससे क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा रोड मतलब ख़राब भी हो रहा था। तो ये चीज़ है कि रोड बनी है हमारे एरिया में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से देखभाल करें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक संस्था बैठाया यहाँ पे और बोला कि यहाँ पे हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम लोग अपने मोहल्ला के लोग हैं तो वैसा करना चाहिए ना। यहाँ पे देख सकते हो सब लोग रोड पे ही बैठे हुए हैं और वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है। तो चलो एक एक करके पूछते हैं कि रोड कैसा बना है। और हाँ आमिर भाई आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, किस लिए धरना पे नहीं बैठे हैं? मतलब कि तुम लोग बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है, रोड की सेफ्टी के लिए बैठे हुए हो। अच्छा, और लड्डन जी बच्चा सब घूमता रहता है, रोड तोड़ देगा इसलिए बच्चा देखता ना कुत्ता का छाप हो गया। हाँ ये, अरे आप लोग को दिखाना बाकी है कि ये देखो ये जो आप देख रहे हो कुछ तो गड़बड़ है दया, ये जो है ये कुत्ता का छाप है जो कि रात में बैरिकेड लगाने के बाद भी कुत्ता घुस गया था। दो पैर वाला कुत्ता, दो पैर वाले का। कासिफ जी सुनते हैं कि कल मसाला उसाला बनाने में थोड़ा सा लड़ाई वगैरह भी हो गया था, झेल उल भी हो रहा था। सोच रहा था कि थोड़ा अपने घर ले जाए तो। अच्छा 16 बाय 1 कहने का मतलब 16 गिट्टी बालू है, एक ट्रैक्टर बालू दिया गया है, एक सीमेंट बांगूर सीमेंट दिया गया, एक बोरा जो सीमेंट था तक हम लोग इंडिया में लेके आप चेक कर लीजिए रोड का कैसा है, उसके बाद आप फिर। तो यहाँ से लेके वहाँ तक आप मुआयना कर सकते हो। चलो थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसा सीमेंट और गिट्टी दिया गया है इसमें। फिलहाल रोड तो काफी अच्छा बना है। चलो इनसे भी राय ले लेते हैं, चलता फिरता मुसाफिर है आप। अरे सुनो सुनिए तो, अभी आप आए वहाँ से तो आपको ब्रेकर कैसा लगा? ब्रेकर एक नंबर है, एक नंबर है ना, एक्सीडेंट होने से बचाएगा, एक्सीडेंट होने से बचाएगा लोगों को। गाड़ी बहुत स्पीड चलाते, स्लो चलाएगा। आप भी ऐसे गाड़ी बहुत स्पीड चलाते हैं? हम तो पैदल चलते हैं भाई, गाड़ी आई नहीं। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पे अभी एक बालू आया है और बालू से एक बैरिकेड लगाया गया है जिसमें पानी दिया जा रहा है और इससे रोड की मजबूती जो है वो बढ़ेगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ठाकुर जी भी आ गए हैं और इसी रोड पे अब लोग सब मिलके बाल बनाया जाएगा। क्या तैयार है ना? तैयार है, गिट्टी उड़ रहा है। उड़ रहा है, अच्छा उड़ने दिया। अच्छा ये बताइए आप जो टकला बनाते हैं बाल छिलते हैं ना, तो उससे रोड प्लेन है कि उससे कम है? वैसे कम है, कम है। टकला तो एकदम प्लेन होता है। दोस्त हुआ बचपन में गुल्ली खेलते थे इनके साथ। जी, बोलो ना। सही बात है क्या, ये आपके दोस्त है? ये सब हमारा दोस्त है, दोस्ती में आएगा ना तब पूछेंगे। इसके बाबा जी भी आपके दोस्त है? नहीं तो यही दोस्त है आपका। अच्छा कौन सा, ये वाला, ये टेबल ना? ठीक है, टेबल साइड होगा, टेबल साइड कर देना, ठीक है। नहीं लेकिन लगा है इसलिए समझे, हाँ साइकिल मोटरसाइकिल वाला आ जा रहा है तो इसलिए हम लोग लगा दिए। चलो इधर चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये जो रोड है फिलहाल अभी यहाँ तक बना है और अभी यहाँ तक जो काम है वो कल होगा शायद, क्योंकि अभी आगे का काम रुका हुआ है आज। तो आज फिलहाल इसमें जो भी सूखने वाला काम है वो होगा और यहाँ पे स्पेशली हमने बैरिकेड लगाया है कि यहाँ से कोई भी, क्योंकि सुबह में खुल गया था तो पूरा गाड़ी से आना जाना लोग कर रहे थे, तो इसकी वजह से देखो यार थोड़ा थोड़ा गिट्टी वगैरह निकलने लगा उससे, तो इसलिए यहाँ पे ना ये लगा दिया। अब जो भी गाड़ी वाला आ रहा है और वहाँ से वापस हो रहा है, देखो वो वाला गाड़ी वाला आया और वापस हो गया, मतलब ये नहीं लगा था ना तो इसकी वजह से आ जा रहा था। तो गाइज आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ पर लगभग 2-3 घंटा सब लोग वहाँ पर बैठे मज़ा किए, फिर उसके बाद उसको हटा दिया गया और मतलब लगभग सूख गया था, तो उसके बाद फिर साइकिल वगैरह का आना जाना चालू। तो फिलहाल काफ़ी अच्छा लगा, ये सब चीज़ करने में थोड़ा मज़ा आता है क्योंकि अपना इलाका है ना भाई, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि, क्योंकि मेन चीज़ है ब्रेकर। लोग अगर ब्रेकर इस वाले रोड में ना, सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रेकर एक भी नहीं था, मतलब गाड़ी वहाँ से शुरू होता था उस कॉर्नर से और डायरेक्ट इस कॉर्नर पर रुकता था, इतना फास्ट गाड़ी चलता था। और इस मोहल्ले में बच्चे सब भी बहुत है, छोटा छोटा बच्चा है, तो इसलिए दो दो ब्रेकर दे दिया गया है।
तो जो भी वीडियो देख रहा है आप लोगों को पता है कि अगर इस रोड में मतलब पहले गाड़ी चलाते होंगे और आप लोगों को नहीं पता होगा कि इस रोड में ब्रेकर नहीं था, पहले नहीं था और अब बन चुका है, तो प्लीज़ संभल के चलना, क्योंकि ऐसा है वहाँ से शुरू होता है डायरेक्ट इधर ही रुकता है, ऐसा नहीं कि ब्रेकर नहीं दिखा और सुई ठीक है। तो फिलहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, फिर मिलेंगे।